तो मैं आप सभी को स्वागत करता हूं इस कोर्स में, जो एक मेरा प्रयास है सारे एविडेंसेस, सारे कंपेलिंग रीजंस को आपके आगे रखूं, बाइबल का जो ऑथेंटिसिटी को दर्शाता है। ऑफ कोर्स ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, जितना बाइबल रिलायबल है उसका ऊपर में देयर आर ओशंस ऑफ एविडेंसेस प्रूफ्स दैट व्हाटएवर बाइबल क्लेम्स इज ट्रू। तो आप उन सभी पर फर्दर रिसर्च कर सकते हैं। मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि आप सभी को बताऊं कि बाइबल कितना ऑथेंटिक है। द रीजन इट इज द वर्ड ऑफ गॉड। ओके, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं हमारी कोर्स में। ओके, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट बाइबल तो हम देखते हैं। द बेस्ट सेलिंग बुक ऑफ ऑल टाइम, जो हमेशा से ये बाइबल जो है बेस्ट सेलिंग में रहता है, इसको कोई ओवरटेक नहीं कर सकता। इट इज द बेस्ट सेलिंग बुक इवर, फर्स्ट बुक प्रिंटेड। यस, जोहन्स गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस के बारे में आपने सुना ही होगा, और उस प्रिंटिंग प्रेस यानी कि 1440 अराउंड में जब गुटेनबर्ग ने इन्वेंट किया प्रिंटिंग प्रेस का, तो उस समय में उसने पहला बुक जो प्रिंट करके निकाला वो था बाइबल। ओके, देयर आर 1000+ लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड, और इसी प्रकार से ट्रांसलेशन भी हो चुका है बाइबल का, यानी कि इतने भाषा में बाइबल को ऑलरेडी ट्रांसलेट किया जा चुका है। सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट टू नो। बाइबल अगर आप पूछे तो ओरिजिनली लिखा गया था हिब्रू एरामिक। हिब्रू मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट एंड फ्यू जो ओल्ड टेस्टामेंट के थे वो एरामिक में, और जो न्यू टेस्टामेंट है वो ओरिजिनली ग्रीक में लिखा गया। तो अगर आप पूछोगे तो बाइबल में पूरे कितने चैप्टर्स है, तो 1189 टोटल चैप्टर्स इन द बुक। तो बुक भी बुक्स भी है वहां पर, यानी कि 66 बुक्स का समूह को बाइबल कहा जाता है, जो हम आगे देखेंगे। तो चैप्टर्स या टोटल 66 बुक्स इन द बाइबल। सो बाइबल क्या है, सिर्फ वो किताब नहीं, किताबों का समूह है, यानी कि वो परमेश्वर के वचन जो अलग अलग लोगों को मिला, तो उसी सबका कंपाइलेशन को हम बाइबल कहते हैं। तो हम देखेंगे आगे किस प्रकार से वो हमें मिला। ओके, और बाइबल में गीत भी है, आप गीत को भी मिलेगा। साम को अगर आप पढ़े तो वो सारे गीत थे, कविताएं हैं। ओके, 185 सॉन्ग्स राउंड। और हर साल, जिस प्रकार से मेरा पहला पॉइंट में फैक्ट में मैं बता रहा था कि बाइबल ही है वो जो हमेशा से बेस्ट सेलर का लिस्ट में रहता है, तो इसी प्रकार से एनुअली अराउंड 100 मिलियन कॉपीज जो है दुनिया में सेल हो जाता है, यानी कि हर सेकेंड जैसे हम बात कर रहे हैं तो बाइबल सेल हो रहा है। दैट मच बेस्ट सेलिंग इट इज, क्योंकि ये जीवन को बदलता है, जीवन का सच्चाई, जीवन के बाद सब कुछ परमेश्वर के बारे में सब सच सच बताता है। तो इसीलिए दिस इज पावरफुल, बिकॉज इट इज द वर्ड ऑफ गॉड। ओके, तो एक बेसिक सा सवाल आता है कि बाइबल क्या है। बाइबल जो यूनानी शब्द से निकला, जिसका मतलब होता है किताब या किताबें। बाइबल के अंदर हमने देखा कि ऑलरेडी 66 बुक्स है, 66 बुक्स, और ये 66 बुक्स किन के द्वारा हमें मिला,
40 different authors. Okay, 40 different authors. 40 different authors. जो कुछ राजा थे तो कुछ प्रजा, कुछ हाईली एजुकेटेड थे तो कुछ किसान, शेपर्ड्स, मछुआरे. तो ये सभी अलग अलग टाइम फ्रेम में थे. कोई एक जगह बैठकर इन्होंने एक समय में लिखा ऐसा नहीं है बाइबल को. It took nearly 1600 years to complete the 66 books of the Bible. 1600 years laga. Or three different continents. Agar aap Asia mein hai, aapka, yani ki Israel Asia mein hai, to aap uske baad mein aapko milta hai. Phir Europe. अफ्रीका यानी कि इजिप्ट जो अफ्रीका में है, यूरोप. तो ऐसे करके तीन कॉन्टिनेंट, 40 डिफरेंट ऑथर्स, अलग अलग जगह, 1600 टाइम फ्रेम्स. इन सभी ने जो कुछ भी परमेश्वर से मिला उन्हें उन्होंने लिख डाला. ये आप देखिए, ये मिराकलस है. ऐसा कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं है. अगर इसी चीज को आप लोगे तो यहां में आप जब आप कंपेयर करते हो तो दुनिया का कोई धर्म ग्रंथ ऐसा मिराकलस प्रिजर्वेशन, ऐसा मिराकलसली जो वन थीम कंसिस्टेंसी, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, ऐसा कहीं पर आपको नहीं मिलेगा. द रीजन इज सिंपल, बिकॉज इट इज द वर्ड ऑफ गॉड. ओके, तो बाइबल दो भागों में बंटता है, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट. ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर में है आपका 39 बुक्स जो जेनेसिस से लेकर मालाकी तक है, और न्यू टेस्टामेंट में 27 बुक्स जो मैथ्यू से लेकर रेवलेशन तक हमको मिलता है. ओके, तो यहां में मैं जैसे बता रहा हूं बाइबल के बारे में, तो एक सोच आप लोगों के अंदर में आ सकता है कि अरे ये तो इंसानों ने लिखा. नहीं, जितने भी राइटर्स थे वो जब लिख रहे थे तो ये बात का वो भी जिक्र कर रहे थे कि परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने मुझे बताया, ये सभी बातें वो कहकर लिख रहे थे. वो अपना सोच नहीं डाल रहे थे, अपना विचार नहीं डाल रहे थे. तो मैं कुछ यहां में जो वचन डिक्लेयर करता है अपना जो डिवाइन इंस्पिरेशन का, उसके ऊपर हम देखते हैं. जैसे सेकंड तिमोथी चैप्टर 3:16 कहता है, ऑल स्क्रिप्चर इज ब्रीथेड आउट बाय गॉड. तो यहां में थोड़ा सा अगर आप देखोगे, ये परमेश्वर से निकला, यानी कि परमेश्वर का सांस है. जितना भी क्या है, जितना भी वचन है, क्या है वो, ऑल द स्क्रिप्चर परमेश्वर से है. ये देखिए, परमेश्वर से वचन डिक्लेयर कर रहा है कि जितना भी स्क्रिप्चर है, इट इज ब्रीथ आउट गॉड, यानी कि परमेश्वर का सांस है, इंस्पायर्ड बाय गॉड, परमेश्वर से निकला हुआ है. तो दिस इज सेल्फ डिक्लेरिंग कि जो बाइबल है वो परमेश्वर से है. ऑल द स्क्रिप्चर एंड इज प्रॉफिटेबल फॉर टीचिंग, फॉर रिप्रूफ एंड फॉर करेक्शन एंड ट्रेनिंग इन राइचियसनेस. तो ये हमें जानना है कि वचन कहता है कि ये जितने भी स्क्रिप्चर है वो परमेश्वर से है, यानी कि इट इज गॉड who inspired the author. Holy Spirit is the writer. God is the writer. वो सिर्फ एक माध्यम थे. Yes, of course, उन्होंने अपने स्टाइल में लिखा, अपने लैंग्वेज में लिखा, लेकिन the source of inspiration of the content and the message is God himself. So, हमें ये नहीं बोलना है. The source is God.
of inspiration. फिर से देखिए, knowing this, second Peter chapter 1 verse 20-21 कहता है, knowing this that no prophecy of scriptures comes from someone's own interpretation. तो जो भी लिखा गया है वचन में, यानी कि प्रोफेसी, यानी कि परमेश्वर का रेवलेशन, परमेश्वर से जो आया है, स्क्रिप्चर का जो इंस्पिरेशन है, वो कोई इंसान नहीं, जो लिखने वाला के से नहीं है, ये परमेश्वर से है. फॉर नो प्रोफेसी वॉज ईवर प्रोड्यूस्ड बाय द विल ऑफ मैन. कोई भी भविष्यवाणी इंसान से नहीं होता, वो सारे परमेश्वर से होते हैं. यानी कि जो सच्चे भविष्यवाणी को यहाँ पर कह रहे हैं, जो परमेश्वर से ही आता है वो, के तो पर जो लोग लिखे कहे वो सीधे पवित्र आत्मा के भरपूरी में, पवित्र आत्मा उन्हें अगुवाई करता है, इंस्पायर करता है, बताता है, तो उसे उन्होंने लिखा. सो वेरी clear that all the scripture is from the word of, from God himself. तो ये बात को हमें विश्वास करना है, ये बात को हमें मान के चलना है. Okay, let us move on. Okay, तो एक natural सा सवाल होता है कि कैसे हमें बाइबल को कैसे मिला, यानी कि how did we get this Bible? जो आज हमारे हाथों में, जो आज हमारे पास में, ये बाइबल हमारे पास आया कैसे? तो ये ऑब्वियस सवाल आता है. तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट को हमें कैसे मिला. ओल्ड टेस्टामेंट इनिशियली जब लिखा गया, जो भविष्यवक्ता, जो राजा, वो लिखे, वो टेबलेट में लिखे, यानी कि पत्थर पे, पेड़ के चमड़ी पे, पपीरस टेबलेट्स, पर्चमेंट, पेड़ के चमड़ी, काट पर भी लिखा गया, और मिट्टी के, मिट्टी यानी कि क्ले, जो लिख कर उसे सुखाया जाता है, ऐसे में भी लिखा गया था. पोटर्स में भी लिखा गया. जब तक कि वो पेपर सिस्टम लेटर ऑन डेवलप नहीं हुआ, तब ये सभी में लिखा गया था. यानी कि इन सभी में लिखा गया, ये बाद में जाके कलेक्ट कर करके कंपाइल किया गया उन्हें, और बाद में स्क्रोल सिस्टम डेवलप हुआ, तो इन सभी में कपड़ों पर भी लिखा गया. तो ऐसे करके लिखा गया, चाहे वो आइजिया हो, चाहे राजा डेविड हो, इन सभी ने लिखा इन सभी को, जो ओल्ड टेस्टामेंट. तो अभी यहाँ में ये ओल्ड टेस्टामेंट के ऊपर मैं इतना नहीं बोल के, अगर ओल्ड टेस्टामेंट को, एक पॉइंट में यहाँ मैं बताना चाहता हूँ, अगर ओल्ड टेस्टामेंट को न्यू टेस्टामेंट वेरीफाइड कर देता है, प्रूव कर देता है, यानी कि यीशु मसीह उस पर वैलिडेशन लगा देता है कि यस दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड, कि अगर वो वैलिडेशन दे देता है, तो देन देर इज नो पॉइंट ऑफ डाउटिंग, कि इसका इंस्पिरेशन के ऊपर में कोई डाउट नहीं कर सकता है. तो अगर न्यू टेस्टामेंट में देखोगे, तो आपको दिखाई देगा कि प्रभु यीशु मसीह ओल्ड टेस्टामेंट को कोट करते हुए हमें सुनाई देता है. नॉट ओनली जीसस क्राइस्ट, अदर गॉस्पल राइटर्स हैव आल्सो कोटेड, एंड एपिस्टल्स में भी आपको ओल्ड टेस्टामेंट का कोटेशन दिखाई देता है. थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. यहाँ में देखिए, ये सभी रेफरेंसेस में अगर हम देखेंगे, तो चाहे वो मैथ्यू 22:31, मैथ्यू 21:16, साम को कोट किया गया है, मैथ्यू 12, लुक 17:29-32, ये सारे रेफरेंसेस ओल्ड टेस्टामेंट को कोट करता हुआ हमें दिखाई देता है. तो प्रभु यीशु मसीह अफर्म करता है न्यू टेस्टामेंट को, अदर गॉस्पेल राइटर्स, सॉरी, ओल्ड टेस्टामेंट को अफर्म करते हैं, और उसका वेरासिटी, ऑथेंटिसिटी को, एंड
plus other gospel writers' films. So there is very clear meaning that Old Testament is Word of God, since Jesus himself affirms. Now, अब फिर हमें पकड़ना है, तो फिर New Testament को हमें अभी पकड़ना है. New Testament का canonicity का ऊपर हम थोड़ा सा बात करेंगे कि हमें कैसे मिला New Testament को. तो सबसे पहले early church, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का life, death and resurrection. प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग चले जाने के बाद में रिजरेक्ट होकर उसके बाद में हम देखते हैं कि डिसाइपल्स लोग रुकते हैं पवित्र आत्मा के लिए. तो पवित्र आत्मा जब आता है उसके बाद में एक मूवमेंट सा क्रिएट हो जाता है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने प्रॉमिस किया हेल्पर इन द सेम वे. सो होली स्पिरिट आता है जो हेल्पर प्रॉमिस किया वाला, एंड देन दे स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग द लाइव्स, स्पीकिंग इन द टंग्स एंड गॉस्पेल प्रचार करना, परसेक्यूशन फैलना, ऐसे करके चर्च पैदा होता है ऑन द डे ऑफ पेंटिकोस्ट. उसके बाद में सारा जेरूशलम, सारा जुदिया समरिया, इस प्रकार से चर्च पूरा फैलने लगता है. तो उस वक्त क्या हुआ कि बहुत लोगों ने लिखना शुरू किया, चेलों ने लिखना शुरू किया गॉस्पेल अकाउंट्स प्रभु यीशु मसीह के बारे में, और उसके बाद में उसका लाइफ, उसका क्लेम, रिजरेक्शन के बारे में, सल्वेशन के बारे में बहुत सारी चीजें लिखने लगे. तो उस वक्त जो है एक कैनोनाइज चला न्यू टेस्टामेंट को कलेक्ट करने का, यानी कि उस समय का राइटिंग्स, बिकॉज बहुत सारे रॉन्ग टीचिंग्स भी निकल रहे थे, यानी कि राइटिंग्स में रॉन्ग टीचिंग भी, कुछ कुछ लोग जुदाइज्म से निकला वाला लोग जो कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट का नियम का हमें पालन करना है, सर्कमसेशन हो गया, सबात हो गया, ओल्ड टेस्टामेंट फेस्टिवल्स हो गए, इन सभी को भी ऑब्जर्व करना है बोल के एक ग्रुप निकले, और बहुत सारे ऐसे फॉल्स टीचिंग का ग्रुप निकला. तो इसीलिए जो अपोस्टल्स के जो राइटिंग्स थे उन्हें कंपाइल करना शुरू किया गया. तब ये जो है दूसरा रोमन परसेक्यूशन चल रहा था, क्योंकि बहुत सारे सोशल पॉलिटिकल रीजंस, रिलीजियस रीजंस के कारण रोमन जो है क्रिश्चियंस लोग पर परसेक्यूट कर रहे थे, और उन लोगों ने कहा कि जो कुछ भी फॉल्स राइटिंग भी अगर है या फॉल्स टीचिंग भी है तो उसके लिए हम जान नहीं दे सकते, अगर हमें जान देना है तो सच्चाई के लिए. तो अर्ली चर्च जो है कैनोनाइज करना शुरू किया न्यू टेस्टामेंट को, और अपोस्टल्स जो लोग थे वो लोग मर रहे थे उस वक्त. तो जब न्यू टेस्टामेंट को कंपाइल यानी कि ये करने का बारी आया, क्योंकि आप देखिए पहले का जो वक्त है उस समय में अभी का जैसा इंटरनेट नहीं था, अभी का जैसा हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली पूरा चीज को हम सर्कुलेट नहीं कर सकते, तो इसीलिए, और प्रिंटिंग भी नहीं था तो लिमिटेड था, लिमिटेड कॉपीज किया जा सकता था. तो इसीलिए क्या हुआ कि उन्होंने कैनोनाइज करना शुरू किया. कैनोन यानी कि एक मतलब जो परमेश्वर का जो इंस्पायर वर्ड को ही लेना शुरू किया, यानी कि एक एक साथ लेके आने के लिए कंपाइलेशन. तो इसमें भी उन्होंने बहुत सारा कैटेगरीज रखा था, जैसे पहले जो राइटिंग्स है क्या वो एपोस्टलिक ओरिजिन है, यानी एपोस्टल्स का मतलब होता है प्रभु यीशु मसीह ने जिनको भेजा, जिनको कमीशन किया, क्या वो है, जो लिखने वाला क्या प्रभु यीशु मसीह से है, यानी कि क्या उनके द्वारा कमीशन किया गया क्या वाला है क्या नहीं. तो उसका पहले सबसे पहले, दूसरा उस समय वक्त जो अर्ली अदर चर्चेस लोग ने क्या उसको रिकॉग्नाइज किया, उस राइटिंग्स को क्या यूज में था कि नहीं था वो. तीसरा हो गया कंटेंट ऑफ द बुक, यानी कि उस किताब के अंदर में क्या है,
उसका मटेरियल क्या है, कहीं वो ओवरऑल टीचिंग्स को कंट्रडिक्ट तो नहीं करता, तो कंटेंट ऑफ द बुक। तो ये सारे चीजें जो थे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, और ये पूरे कैटेगरी को जो पास करके जाता वो 27 बुक्स ऑफ द न्यू टेस्टामेंट। नाउ यहां मैं एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है, और ये आपको बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा। ये चार्ट मैंने एक किताब से निकाला, जो जिसका लिंक मैं बाद में आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो रिलायबिलिटी ऑफ द न्यू टेस्टामेंट कंपेयर टू अदर एंशिएंट राइटिंग्स, जो एंशिएंट राइटिंग के कंपेयर में न्यू टेस्टामेंट का जो रिलायबिलिटी है वो कितना आगे है वो देखिए। जो आज हमारे पास में मैन्युस्क्रिप्ट है उसका और ओरिजिनल के बीच में, यानी कि जो चाहे वो पीटर ने लिखा था हो या पॉल ने लिखा था, जो ओरिजिनल कॉपी और जो आज हमारे पास में जो कॉपीस है म्यूजियम में हो गया, चाहे जो चर्चेस एसोसिएशन का पास में जो कुछ भी मैन्युस्क्रिप्ट आज हमारे पास में है, यानी कि हाथों से लिखा गया हुआ कॉपी, क्योंकि देखिए उस जमाने में कैसे कॉपी किया जाता था, अभी की जैसा नहीं कि प्रिंटिंग प्रेस से बहुत सारी किताबें निकाल दो। उस जमाने में किसी ने लिखा तो अगर मुझे एक कॉपी चाहिए है वो बुक का, तो क्या करेगा, कॉपी करके उससे लेगा। तो वो ओरिजिनल कॉपी और जो आज हमारे पास में जो कॉपी है उसका टाइम गैप जो है आप देखिए सिर्फ 25 ईयर्स, और आदर जैसे होमर्स हो गया, आप गूगल करके देख सकते हैं ये सब कौन है, होमर्स हो गया अर्ली, उनका ओरिजिनल राइटिंग और उनका जो आज मैन्युस्क्रिप्ट है 400 ईयर्स, ये डेमस टेंस 1400, हेरोडोटस 1400, प्लेटो 1200, टाइस्टस 200, सीजर्स प्लिनी 750, और इन सभी को कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। इन सभी जो ये सभी है ये इन सभी को हिस्टोरिकली वेरीफाइड किया जाता है, इन्हें कोई डाउट नहीं करता, इन पर कोई सवाल नहीं करता। वेरेस उनका जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट और जो उनके पास में जो कॉपी है मैन्युस्क्रिप्ट का जो कॉपी है आज, चाहे वो लाइब्रेरी में हो म्यूजियम में हो, टाइम गैप देखिए कितना है और न्यू टेस्टामेंट का कितना है, वेरी वेरी क्लोज टू द ओरिजिनल। ऑफकोर्स जो पीटर ने लिखा था, जब पॉल ने लिखा था, वो ओरिजिनल कॉपी यानी कि उनके द्वारा लिखा हुआ कॉपी नहीं है, लेकिन कॉपी ऑफ द कॉपी है हमारे पास में, वेरी मच रिलायबल। ओके, सो नंबर ऑफ स्क्रिप्ट जो आज हमारे पास में है मैन्युस्क्रिप्ट सॉरी न्यू टेस्टामेंट का, आप देखिए 5800, और बाकी का देखिए इतना कम है। और जब ये सभी को न्यू टेस्टामेंट का जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसको हम लोग कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ में, तो एक्यूरेसी कितना आता है पता है आपको, 99.8% एक्यूरेट है ये, एक्यूरेट जो ये मैन्युस्क्रिप्ट है न्यू टेस्टामेंट का, यानी कि जितना भी कॉपीज आज हमारे पास में है उन सभी को कंपेयर करो और जो न्यू टेस्टामेंट में का जो राइटिंग्स है वो इट इज वेरी रिलायबल। सो आप इस पर कोई संदेह के जगह नहीं है, इट इज वेरी मच रिलायबल एक्यूरेट। सो देखिए बाइबल कैन बी ट्रस्टेड, टुडे वी हैव मैन्युस्क्रिप्ट्स। और अर्ली चर्च फादर्स ने भी
अगर बाइबल को आप पूरा हटा दो तो भी अर्ली चर्च फादर्स जो क्लेमेंट ऑफ रोम जिन्होंने लिखा, तो यानी कि क्लेमेंट जो रोम के थे, जो अर्ली चर्च फादर्स थे, उन्होंने लिखा चर्चेस को, यानी कि कोरिंथ को लिखा था लेटर, तो उसमें उनका ही राइटिंग में पूरा न्यू टेस्टामेंट का आप ये सारे बुक्स के कोटेशन मिल जाएंगे आपको उनके राइटिंग्स में। और वो कब लिखे थे? 95 AD में, के 95 AD इज वेरी क्लोज डेट, ओके, विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ यू कैन से अपोस्टल, ओके। नाउ अगेन इग्नेशियस का राइटिंग जो स्मिर्ना एशिया माइनर से था, वो भी 107 AD के अंदर में। तो ये सब किताबों से उन्होंने क्या किया कि कोट किया है, ठीक है। पॉलीकार्प, दिस आल्सो आप जा सकते हैं अर्ली चर्च राइटिंग्स .com में, इन सभी अर्ली चर्च फादर्स का राइटिंग्स को आप वहां पर इंग्लिश ट्रांसलेशन में देखकर पढ़ सकते हैं। इन सभी के ऊपर में उन्होंने कोट किया यहाँ से, यानी कि सबको उन्होंने नहीं लिखा, कुछ कुछ पोर्शंस को उन्होंने कोट करके, जैसे आज जब हम किताबें लिखते हैं तो बाइबल को कोट करते हैं, उन्हीं उसी प्रकार से इन अर्ली चर्च फादर्स ने भी कोट किया। तो देखिए इतना सारा है आज हमारे पास में इविडेंसेस कि अर्ली चर्च फादर्स राइटिंग्स हो गया, और उसके बाद में आपका मेनुस्क्रिप्ट जो है वेरी क्लोज, और यीशु मसीह के बारे में तो विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ 30 ईयर्स उनके बारे में लिखा गया, यानी कि आई विटनेसेस थे वहां पर, गवर्नमेंट्स सभी थे, परसुकेशन चला, इन सभी को देखेंगे तो रिलायबिलिटी जो है इतना कंपेलिंग है। तो ये सही में बाइबल किस प्रकार से ओरिजिन वो निकला या किस प्रकार से वो हमारे पास में आया, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ, तो आप डीप रिसर्च कर सकते हैं इसके ऊपर में। तो मैं यहाँ पर आपको ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि आगे बहुत कवर करने के लिए, तो हम आगे बढ़ते हैं, ओके। तो यहाँ मैं आज मैं कुछ कुछ एरिया साइंटिफिक साइंटिफिक की एक्यूरेसी के ऊपर मैं थोड़ा सा यहाँ पर जो बाइबल कहता है, अदर रिलीजियस धर्म ग्रंथ अगर साइंटिफिकली आप वहां में कंपेयर करने चाहो तो बहुत सारा फैलेसी है, लेकिन यानी कि फैलेसी यानी कि इनएक्यूरेसी है, बहुत सारा एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन नहीं है। साइंस यानी कि थ्रू साइंस आपको आज वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो हम जो ये मॉडर्न ये जितने भी सिविलाइजेशन के ऊपर अगर आप बात करोगे तो ये सारे बाइबल के देन है, क्योंकि साइंटिफिक फील्ड में जाइए, मेडिकल फील्ड में जाइए, कोई भी फील्ड में जाइए, जो इनोवेशन या जो शुरुआत कराने वाले फादर्स जो थे वो सारे क्रिश्चियंस लोग थे। आप हिस्टोरिकली उसको वेरीफाई कर सकते हैं, जितने भी ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशन से लेकर जितने कुछ क्राइस्ट फॉलोअर्स, दे वर ऑल क्राइस्ट फॉलोअर्स। स्कूल्स का शुरुआत, यूनिवर्सिटी कॉलेज का शुरुआत आज मॉडर्न किन्होंने किया? सारे डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट, दे वर ऑल हिस्टोरिकली यू कैन वेरीफाई दिस। ओके, साइंटिफिक एक्यूरेसी, करेक्टनेस ऑफ द बाइबल। जब लोग कह रहे थे कि पृथ्वी जो चपटी है, धरती चपटी है, बाइबल कहता है नहीं, चपटी नहीं है, स्पेयर है। जॉब 26:27, सॉरी 7 Isaiah 40:22 ऑलरेडी डिक्लेयर करता है, और दूसरे धर्म ग्रंथ तो चपटी है बोल के कहते हैं। आप मैं नहीं बताऊंगा, आप ढूंढ सकते हैं गूगल में कौन सा धर्म ग्रंथ कहता है धरती चपटी है बोल के, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा,
जब लोग कह रहे थे कि तारों को गिना जा सकता है, बाइबल ऑलरेडी सदियों सालों पहले कह दिया कि इट कैन नॉट बी के नंबर, बट पीपल वर सेइंग इट कैन बी। हाँ, ये एस्ट्रोनॉमर्स, ग्रीक एस्ट्रोनॉमर लोग ने तो नंबर भी प्रपोज किया, इतना है के तार, लेकिन आज पता चलता है कि इट कैन नॉट बी नंबर्ड के। अगेन बाइबल डिस्क्राइब्स वाटर साइकिल, पानी का जो किस प्रकार से इसका साइकिल चलता है, साइकिल से मतलब कि कैसे भाप बनता है, कैसे बादल फटता है, फिर कैसे वो धरती पर गिरता है, बारिश बरसा फिर से जाना, ये सब के ऊपर में बाइबल ऑलरेडी सदियों, साइंस डिस्कवर नहीं करने से पहले, हजारों साल पहले बाइबल इस बात को डिक्लेयर बता चुका है, डिस्क्राइब कर चुका है। फिर से बाइबल साफ साफ बताता है कि पानी के नीचे यानी कि समंदर के नीचे क्या है, पहाड़ है, वैलीज है, स्प्रिंग्स है, और आज साइंस डिस्कवर करके ये बात को पुष्टि करता है कि ऑफकोर्स देयर इज, ओ यस देयर इज। तो एस्ट्रोनॉमी में आप जाओगे तो बाइबल क्या क्लेम करता है, बाइबल क्लेम्स द यूनिवर्स हैड अ बिगिनिंग। वचन डिक्लेयर करता है कि इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवंस एंड अर्थ, यानी कि बिगिनिंग के बारे में बता रहा है बाइबल, यानी कि ये जो पृथ्वी है, सृष्टि है, ये इटर्नल नहीं है, इसका शुरुआत है, बाइबल डिक्लेयर करता है। पहले फिलोसोफर साइंटिस्ट रिजेक्ट करते थे कि नहीं, ये जो धरती है इसका शुरुआत नहीं है, इटर्नल है, 2000 साल से ये बात को कह के आ रहे थे, लेकिन आज क्या हुआ कि उनका जो रिजेक्ट करना, बाइबल को रिजेक्ट करना, आज साइंस पुष्टि करता है और थ्योरी एक प्रपोज किया गया कि बिग बैंग थ्योरी, जो कहता है कि यस ये सारे जो सृष्टि है, यूनिवर्स है, इस हैज ए बिगिनिंग, कि ये कोई इटर्नल नहीं है, ये बिगिनिंग इसका है, शुरुआत है। एंथ्रोपोलॉजी में आप देखोगे बाइबल क्या कहता है, बाइबल बताता है कि जितने भी ह्यूमन रेस है के वन ब्लड, यानी कि एक इंसान और एक औरत से आया, बाइबल डिक्लेयर करता है जितने भी इंसान है, लेकिन 19 सेंचुरी के जो बायोलॉजिस्ट थे ये बात को माने नहीं, आर्गू करते थे कि नहीं, अलग अलग रेसेस से आया, लेकिन आज जेनेटिक साइंस क्या बताता है कि जो डीएनए इन सभी का स्टडी करके क्या बताते हैं, ह्यूमन रेस एक ही से निकला वाला। सो दिस आल्सो कंफर्म्स बाइबल्स वेरासिटी के बायोलॉजी में देखते हैं हम क्या है, बाइबल कहता है कि द बाइबल क्लेम्स दैट गॉड क्रिएटेड एनिमल्स आफ्टर देयर काइंड, यानी कि उन्हीं के जैसा बनाया, लेकिन 19 सेंचुरी बायोलॉजिस्ट क्या आर्ग्यू करते थे कि ये इवॉल्विंग है, एनिमल्स क्या है, इवॉल्विंग है, अलग अलग प्रकार से इवॉल्व हुए हैं, लेकिन आज का जो बायोलॉजी कन्फर्म्स करता है कि जो जानवर है उसी प्रकार का वो लोग रिप्रोड्यूस करते हैं, कोई अलग नहीं। सो ये आज तो जो इवोल्यूशन जो थ्योरी है वो तो डिबंक हो चुका है, साइंटिफिक कम्युनिटी आज उसे नहीं मानते, आप रिसर्च करके देखिए तो देखिए, ये बाइबल को साफ साफ कंफर्म करता है, बाइबल ऑलरेडी बताता है कि गॉड क्रिएटेड आफ्टर देयर ओन काइंड्स। तो जियोलॉजी में आप देखिए, बाइबल क्लेम्स गॉड डिस्ट्रॉय अर्थ क्रिएचर्स इनहेबिटिंग इन इट वर्ल्ड वाइड, एक जो नोहा का फ्लड आप पढ़े होंगे, तो
19 सेंचुरी का जो जियोलॉजिस्ट आर्गू करते थे कि जो रॉक लेयर्स है द फॉसिल्स फाउंड इन देम वेर फॉर्म एज ए सेडिमेंट, सेडिमेंट की तरह यानी कि धीरे धीरे करके वो डिपॉजिट हुआ वाला है। लेकिन आज जो जियोलॉजी जो क्या कंफर्म करता है कि मेनी रॉक्स, ये सारे जो है साइंटिफिक एक्यूरेसी है, ठीक है, लेयर्स है वो डिपॉजिट हुए थे कि कैटास्ट्रोफिकली सडनली एक ही बार में 1 मिनट 1 आवर के अंदर में जो आज फॉसिल रिकॉर्ड्स आपको मिल जाएंगे जो धरती के नीचे जो दबे हुए पत्थर के नीचे जो कुछ हड्डी कंकर जो कुछ भी है वो एक लेयर में है, यानी कि वो विद इन 1 मिनट और 1 आवर के अंदर में वो बरीट है, वो धीरे धीरे करके बरी हुआ वाला नहीं है और ये जियोलॉजी कंफर्म करता है। सो इफ द बाइबल विंस डाउन इन एवरी अर्थली थिंग्स वी कैन टेस्ट, व्हाई डोंट पीपल ट्रस्ट व्हाट इट सेज? द इश्यू इज नॉट द ट्रूथ ऑफ द स्क्रिप्चर बट प्लेन रीजनिंग एंड विलफुल इग्नोरेंस। ओके, तो ये थोड़ा साइंटिफिक एक्यूरेसी में जब हम आते हैं तो बाइबल जो है जितना भी टेस्ट में है वो इस दुनिया का टेस्ट में वो पास हो जाता है। कुछ भी टेस्ट आप करोगे बाइबल उसको पार करता है। लेकिन लोग क्यों विश्वास नहीं करते हैं? वो विलफुल रिजेक्शन है, वो जानबूझ के वो विश्वास करना नहीं चाहते। तो ऐसे लोगों को हम कन्विंस नहीं कर सकते, वो विश्वास नहीं करेंगे, वो पहले से उनका विश्वास नहीं करने का इच्छा बना लिया है, मन बना लिया, तो उन्हें हम कन्विंस नहीं कर सकते। और इस और बाइबल को विश्वास करने के लिए भी पवित्र आत्मा ही हमें शक्ति देता है। ओके, आर्कियोलॉजिकल इतना सारा डिस्कवरीज है जो मैं लिस्ट आउट नहीं कर सकता, जो कंफर्म करता है, चाहे वो सोलोमन का पैलेस से हो, नेबुकदनेज़र डेविड का कॉइंस इंस्क्रिप्शन, बहुत सारे और आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज इतना सारा है जो बाइबल्स का अकाउंट्स को वेरीफाइड करता है, चाहे वो नेबुकदनेज़र का पैलेस हो, सोलोमन का टेम्पल, राजा डेविड का इंस्क्रिप्शन, कितना सारा है जो आप आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी जो है कंफर्म करता है। और बाइबल को देखिए, ओल्ड टेस्टामेंट का जो नियर 300 अराउंड जो प्रोफेसिस है यीशु मसीह में, वो एग्जैक्टली फुलफिल्ड होता है, एक्यूरेटली प्रिसाइसली। जो इवन रोमांस लोगों को भी पता नहीं था कि वो प्रोफेसी फुलफिलमेंट में साथ दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूसिफिकेशन में सारा वो फुलफिलमेंट दिखाई देता है, उनका बर्थ में, उनका लाइफ में, उनका मिनिस्ट्री में, उनका रिजरेक्शन में, ये सारे प्रोफेसिस फुलफिलमेंट जो हम देखते हैं। इवन जितना इस दुनिया में किंगडम का आना, दानियल का जो प्रोफेसी था, किस प्रकार से बेबीलोनियन, असीरियंस, ग्रीस, रोमन्स, फाइनली यीशु मसीह का किंगडम एस्टैब्लिशमेंट, इन सभी के बारे में एक्यूरेटली फुलफिलमेंट हम देखते हैं। और बहुत सारे ऐसे प्रोफेटिक फुलफिलमेंट है जो बाइबल को साफ साफ डिक्लेयर करता है कि इट इज करेक्ट। और फिर से आप देखोगे इट्स कंसिस्टेंसी, जो मैंने आपको बताया जो टाइम फ्रेम 1600 का जो टाइम फ्रेम था, आप सोच के देखिए, मैं थोड़ा लिखना चाहता हूँ, 1600 जो टाइम फ्रेम, 40 डिफरेंट ऑथर्स, और फिर आपका क्या है कि 40 डिफरेंट 3 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। लेकिन जब आप इनका जो राइटिंग्स का जो कंसिस्टेंसी है, थीम गॉड्स क्रिएशन, मेंस रिबेलियन, डिसोबीडियंस, फिर परमेश्वर ने किस तरह सृष्टि किया,
फिर किस प्रकार से इंसान गिर गए, अब परमेश्वर किस प्रकार से उनका प्रेम के द्वारा बचाने का जो प्रयास स्ट्रगल, ये सारे को ही एक लाइन में, एक स्टोरी लाइन में दौड़ता हुआ हम पूरा बाइबल को देखते हैं। वन थीम नैरेटिव्स में कंसिस्टेंसी को देखिए, स्टोरी लाइन में, पर्पस में, फ्लो में। तो देखिए कंसिस्टेंसी, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं पूरे बाइबल में, पूरे बाइबल में दुनिया कहीं कंट्रोडिक्शन नहीं मिलता। क्यों? बिकॉज इट इज द वर्ड ऑफ गॉड। लेकिन बहुत सारे ऐसे धर्म ग्रंथ है जिन्हें हिस्टोरिकली वेरीफाई नहीं किया जा सकता, जो मिथ में गिरता है। देखिए जितने भी राइटिंग्स हैं, आप रिलीजियस राइटिंग्स को आप जब कंपेयर करोगे बाइबल के साथ में, तो आपको क्या दिखाई देगा? बहुत सारे मिथ है। मिथ का मतलब होता है उसका कोई हिस्टोरिकल रेलिवेंस नहीं है। दिस इज दी मिथ। ओके, लेकिन बाइबल इज ए हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। बाइबल हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, ये बात आपको जानना है। हिस्टोरिकल ये है, द रेस्ट इज मिथ। या उनमें क्या है, ढेर सारा कॉन्ट्राडिक्शन है। एक ही आदमी ने लिखा, फिर भी उसमें क्या है, बहुत सारा कॉन्ट्राडिक्शन है। लेकिन बाइबल में नहीं है। 40 डिफरेंट ऑथर्स, बट दे ऑल हैव रिटन कंसिस्टेंटली बिकॉज इट इज द वर्ड ऑफ गॉड। एंड नाउ अगेन व्हाट डू वी सी, कि अदर्स राइटिंग्स कैनॉट बी वेरीफाइड साइंटिफिकली आर्कियोलॉजिकली, बट बाइबल कैन बी। ओके, सो देयर आर सो मेनी कंपेलिंग एविडेंसेस सोर्सेस towards the authenticity and reliability of the Bible. But still, many people will not trust, many people will not consider them, क्योंकि उन्हें विश्वास करना ही नहीं। और ऐसे लोगों को हम कन्विंस नहीं कर सकते जो ऑलरेडी अपना माइंड को फिक्स कर रखे हैं। लेकिन बाइबल इज रिलायबल एंड ट्रस्टवर्थी इन इट्स कंसिस्टेंसी। तो ये कुछ कुछ रीजंस बाइबल के ऑथेंटिसिटी के ऊपर मैं आपको बताया हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो जो है आपको बाइबल को देखने का जो नज़रिया है उसको बदल दिया, और आप आगे भी ऐसी रिसर्च करेंगे ताकि कोई अगर सवाल करे तो उस पर आप जवाब दे सकने के लिए, और फर्दर रिसर्च कीजिए, और आगे जितना भी रीडिंग मटेरियल्स जितना भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा उस पर जाके उन सब बुक्स को पढ़े, और एक इन्फॉर्म्ड परमेश्वर के बच्चे बने ताकि समय आने पर आप भी जवाब दे सकें। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।